देवी का धमाकेदार शो अनुपमा इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में आए दिन ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिसने फैंस को भी इस हैरत में डाल दिया है कि आगे क्या होने वाला है। अनुपमा में दिखाया गया था कि नए साल की शुरुआत से पहले न केवल सब में झगड़ा होता है बल्कि सबके दिल का गुबार भी निकल जाता है। बीते दिन अनुपमा के एपिसोड में देखने को मिला कि अनुज रो रो कर अनुपमा और शाह परिवार के सामने दर्द बयां करता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ वनराज दिल्ली की नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर देता है, लेकिन रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स यहीं खत्म नहीं होते हैं। रूपाली गांगुली के शो में देखने को मिलेगा कि नए साल के साथ हर कोई नई शुरुआत करता है, जहां अनुपमा अनुज से अपने किए की माफ़ी मांगती है और कपड़े पहनने में उसकी मदद करती है, तो वहीं बा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहती है कि अनुपमा के साथ मैंने जो कुछ किया वो गलत किया। इससे इतर वनराज भी अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेता है और तोशु भी अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ता है। अनुपमा में काव्या को समझ आता है कि वनराज का पूरा ध्यान केवल उसके परिवार पर लगा रहता है और वो चाहे कुछ भी कर ले उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती है। ऐसे में वो अनिरुद्ध को फोन करती है। इस चीज़ को लेकर माना जा रहा है कि काव्या न केवल दिल्ली की नौकरी स्वीकार कर लेगी बल्कि पहले पति अनिरुद्ध के पास वापस लौट जाएगी। रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं ख़त्म नहीं होता है। शो में जल्दी दिखाया जाएगा कि अनुपमा अनुज को मनाने के लिए रोमांटिक नाइट प्लान करती है। वो पूरे घर को खूबसूरती से सजाती है और जैसे ही अनुज आता है उसके गले लग जाती है, लेकिन अनुपमा को धक्का तब लगता है जब वो देखती है कि अनुज अपने साथ साथ एक क्लाइंट को घर ले आया है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।